हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे सेप इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो मेथड लिया है, पीटर हेगेट मेथड और हॉर्टन मेथड। तो पीटर हेगेट मेथड का फॉर्मूला क्या है, 1.27 इंटू ए डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और हॉर्टन मेथड क्या है, ए डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ द टेरिटोरीज, और एल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे दो कंट्री का लिया है, एक हो गया ये इंडिया और दूसरा हो गया चिली। तो इंडिया में देखिए क्या रहेगा, इधर एरिया दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दिया हुआ है 328,7268 स्क्वायर किलोमीटर, और चिली का और आरएफ भी रहेगा 1:23,000,000, और चिली का एरिया कितना है 756,950 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका आरएफ है 1:30,000,000। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आरएफ को कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट स्केल में। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे इंडिया का है 1:23,000,000, तो इसको हम लोग को पता है क्या, 1 किलोमीटर इक्वल 100,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल 23,000,000 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल यहाँ पे मैंने लिखा है 23,000,000, और 100,000 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 50 कैंसिल, तो बचेगा कितना 1 और ऊपर होगा 230। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कितना हो गया स्टेटमेंट स्केल, 1 सेंटीमीटर इक्वल 230 किलोमीटर। ठीक इसी तरह तरीके से हम लोग चिली का भी कैलकुलेशन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट स्केल में। तो कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिया का सेप इंडेक्स का कैलकुलेशन। तो हेगेट मेथड में करेंगे सबसे पहले, हेगेट मेथड का फॉर्मूला क्या है, 1.27 इंटू ए डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, जो कि हो गया एरिया। तो यहाँ पे देखिए ये एरिया 1.27 इंटू 328,7268 को इंटू करेंगे, इसके बाद जो कि एल का मतलब है लॉन्गेस्ट एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट एक्सिस के लिए क्या करेंगे, जो सबसे लॉन्ग रहेगा इसको हम लोग स्केल से एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींचा है, तो कितना हो गया ये लॉन्गेस्ट एक्सिस 13.9। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कि हम लोगों का स्टेटमेंट स्केल निकला था कितना 230 किलोमीटर्स, तो इसलिए 230 से हम लोग इंटू करेंगे किसको, 13.9 को। तो आंसर कितना आया, 3,197। इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का बाद कितना आया आंसर, 10,220,809। तो अभी दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का बाद कितना आया 0.40। अभी फिर से हम लोग हॉर्टन मेथड का करेंगे कैलकुलेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो हो गया एरिया, तो यहाँ पे लिखा एरिया 328,7268 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे मैंने लिखा है, और एल स्क्वायर जो कि 3,197, तो इसको यहाँ पे लिखा है, तो इसका आ गया एल स्क्वायर का वैल्यू। तो अभी दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कितना आया आंसर, 0.32। तो अभी हम लोगों को क्या पता चला है, इंडिया का सेप इंडेक्स का कैलकुलेशन पता चल गया पीटर हेगेट मेथड और हॉर्टन मेथड का। तो अभी इसका सेप क्या होगा, ट्राइंगुलर सेप। तो अभी हम लोग करेंगे चिली का, सेम इंडिया का जैसे हम लोग किया है वैसे ही चिली का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो हेगेट मेथड में सबसे पहले 1.27 इंटू ए, तो ये देखिए एरिया कितना है 756,950 स्क्वायर किलोमीटर, इसको इंटू करेंगे, और एल स्क्वायर जो कि लॉन्गेस्ट एक्सिस, फिर से हम लोग यहाँ पे स्केल के सहायता से एक लाइन खींचेंगे लॉन्गेस्ट एक्सिस का। तो कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू क्या करेंगे, अभी जो स्टेटमेंट स्केल को ये आरएफ को कन्वर्ट करने के बाद स्टेटमेंट स्केल में, तो कितना आएगा आंसर, 300। तो इसीलिए 300 से हम लोग 12 को इंटू करेंगे, तो कितना होगा 3600। तो इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद इसका वैल्यू कितना है, 1,296,000। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर कितना है, 0.07। तो फिर इसके बाद हम लोग करेंगे हॉर्टन मेथड का, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो एरिया हो गया ये, इसके बाद इसको हम लोग ये जो स्क्वायर है लॉन्गेस्ट एक्सिस को 12 इंटू 300 से करने के बाद 3600 आया, तो इसको स्क्वायर करेंगे, सेम वैल्यू यहाँ पे भी आएगा। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद कितना होगा आंसर, 0.05। तो ये वैल्यू निकलने के बाद हम लोग को क्या पता चला, अभी चिली का सेप क्या है, इलोंगेटेड सेप। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है सेप इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं पीटर हेगेट मेथड और हॉर्टन मेथड। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।